हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गैपन एकेडमी। चलिए समझते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। कैसे उत्तल लेंस से हम लोग इमेज का निर्माण करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वो जरा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ किरणों को मैं आपसे मिलाऊंगी और उसके बाद आप लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे ना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला किरण से मैं आपको मिला रही हूँ, तो वो कौन सी किरण है कि अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसके सामने कोई भी, या अब यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस की सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं और उत्तल लेंस का बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उत्तल लेंस ले लिए हम, इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, और जब भी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है इस तरह। तो ये हो गया आपका किरण नंबर वन। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती है, ये पहला किरण। दूसरी किरण देखिए, जब भी इस प्रकाशिक केंद्र ओ से होते हुए इस तरह किरण आएगी ना, ओ से होते हुए डायरेक्ट ओ पर इस तरह प्रकाशित केंद्र पर, तो बिना विचलन के सीधे अपने रास्ते से निकल जाएगी, यानी कि वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होगी, अपने रास्ते से नहीं हटी, एकदम सीधे निकल जाएगी। तो ये हो गया दूसरी किरण, ठीक है, यानी कि प्रकाशित केंद्र से आती किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, सिंपल। तीसरा किरण से मिलिए, तीसरा किरण कुछ इस तरीके से आती है कि वो इस तरह फोकस से होते हुए आती है, फोकस से होते हुए यहाँ पर ये फोकस है ना, इस फोकस से होते हुए आती है इस तरह। और आप जरा सुनिए, बात को समझिए, यहाँ पर समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर रही थी, पहली किरण क्या हो रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर रही थी, अब यहाँ पर फोकस से आ रही है ना, तो इस समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जब समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी और जब फोकस से होकर आएगी तो समांतर गुजरेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये तीन किरण समझ गए। अब चल दिए समझते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब चलिए समझ लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, और वो अभी जो तीन किरण ने बताई वो इम्पॉर्टेंट है और वो इस उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें किरणों की आवश्यकता होती है, रेज गुजारनी पड़ती है, और कितने रेज, कितने किरणों की आवश्यकता होती है, दो किरणों की, तभी तो वो दो किरणें जाएंगी लेंस से, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद जहाँ भी मिलेंगी वहाँ पर उसका इमेज बनेगा। आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आप सिर्फ दो ही किरण क्यों लेती हैं, आप एक भी तो ले सकती हैं। तो देखिए, मिलने के लिए दो किरण जरूरी है ना, एक किरण कैसे मिल जाएगा, दो किरण मिलेगी तभी तो इमेज बनेगा, एक किरण कैसे मिल सकता है। मान लीजिए ताली बजाने के लिए दोनों हाथ को मारना पड़ता है तब ताली बजता है, एक हाथ से आप कैसे ताली बजा लेंगे। उसी तरह इमेज बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, या फिर आप दो से ज़्यादा ले सकते हैं, तीन चार पाँच कितना भी ले सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो अब हम पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, बिंब की स्थिति, यानी कि बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, वस्तु को ही फिजिक्स में बोला जाता है बिंब। तो बिंब को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, अनंत मतलब समझते हैं वहाँ, उस वहाँ जगह, उस वह जगह जहाँ हम लोग जा नहीं सकते, जहाँ पहुँच नहीं सकते, मतलब अनंत, इनफिनाइट, बहुत दूर, जहाँ उस जगह को मापा नहीं जा सकता, उसको बोला जाता है अनंत। तो मान लीजिए अनंत पर वस्तु रखी है, अनंत पर, जिसको आप लोग माप नहीं सकते, अनंत पर वस्तु रखी और उसका प्रतिबिंब इस लेंस में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा समझते हैं। तो आपको अनंत से लाना होगा दो किरण, दो किरण किस लिए, क्योंकि दो किरण से ही इमेज बनेगा, मिलेगी तब। तो जब भी आप अनंत से किरणें लाएंगे दो किरण, तो हमेशा जो अनंत से किरणें आती हैं ना, वो हमेशा समांतर आती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है, मतलब अनंत से आती किरणों को समांतर माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण और ये दूसरी किरण, ये दो किरण आ गई।
दो ही किरण लाई हूँ, आप दो से ज़्यादा भी ला सकते हैं लेकिन एक नहीं लेंगे, दो। ठीक, आगे देखिए, जब ये दो समांतर किरणें आ गई तो अभी मैं आपको पहली किरण से मिलाई थी। पहली किरण क्या थी कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है ना, तो कहाँ से गुजरेगी? बिल्कुल फोकस से गुजरेगी। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, सिंपल। और ये दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं। तो ये फोकस पर क्या रियल में मिल रही है? हाँ, रियल में मिल रही है, हम लोग ज़बरदस्ती तो मिला नहीं रहे हैं, रियल में मिल रही है। ठीक, बहुत अच्छा, सुनिए बात को। यहाँ पर समांतर आई और मिल गई, यहाँ पर इस वस्तु का, ये जो अनंत पर रखा वस्तु था, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F2 पर। अब देखिए, ये पहली किरण आप लिए थे, दूसरी किरण, ठीक, पहली किरण अपवर्तन के बाद नीचे चली गई और दूसरी किरण अपवर्तन के बाद ऊपर चली गई। अब समझिए, अब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वस्तु तो रखा था अनंत पर, लेकिन उसका प्रतिबिंब बना है फोकस पर, क्योंकि फोकस पर ये दोनों किरणें मिली हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, ठीक, क्लियर। प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी कि जो आप किरण वस्तु का जो इमेज बना है उसकी प्रकृति कैसी है? तो वो वास्तव में मिली है, यानी कि ये क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक है। और क्या सीधा है कि उल्टा है? यहाँ पर पहली जो किरण थी वो नीचे चली गई, दूसरी किरण ऊपर चली गई। यहाँ पर 1-2 था, यहाँ पर 2-1 हो गया, यानी कि जो इमेज बना है वो उल्टा बना है। तो वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक तथा उल्टा, सिंपल। आकार कैसा है? आकार, वस्तु तो रखी थी अनंत पर और उसका प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बना, यानी कि F2 एक छोटे से बिंदु पर इतना छोटा बना है उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कितना बना? इतना छोटा, यानी कि जो प्रतिबिंब इमेज का आकार है वो है सूक्ष्म आकार। क्या है? सूक्ष्म आकार, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग वस्तु की स्थिति चेंज कर देंगे, यानी कि बिंब की स्थिति अब हम लोग कहाँ रखेंगे? C1 से परे। अब वस्तु तो पहले थी अनंत पर, उसका प्रतिबिंब बन रहा था F2 पर, लेकिन अब हम वस्तु की स्थिति कर दिए हैं, वस्तु को कहाँ रख दिए हैं? C1 से परे। C1 से परे, परे मतलब होता है पीछे, तो यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब भी ना बनाना है तो कोई भी वस्तु ले लीजिए, C1 से पीछे रख दिए। अब देखिए, आप लोग NCERT बुक में ना ये C1 की जगह 2F1 मिलेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं, आप इसको C1 भी बोल सकते हैं, 2F1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2F2 मिलता है, C1 के जगह F2F1 मिलता है, और यहाँ पर C2 के जगह 2F2, तो यहाँ पर घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। अब जरा इसका इमेज बना लेते हैं। इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए इसे दो किरणें निकालनी पड़ेंगी। पहला लेकर जाइए मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये लेकर गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या होगा? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, तो हम लोग फोकस से होकर गुजारेंगे, ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण क्या थी? अब दूसरी किरण को कैसे लेकर जाएंगे? दूसरी किरण को लेकर जाइए प्रकाशिक केंद्र से, आसान हो जाएगा आप लोगों का। दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाइए, इसको टेढ़ा करने में ना दिक्कत हो जाता है, एकदम सीधा लेकर जाना पड़ेगा, इस तरह सीधा लेकर जाइए। वैसे कोई बात नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, टेढ़ा हो जाए तो, ठीक है। ये दूर पर जा रहे हैं ना लेकर जाना, आप लोग खुद से खींच लीजिएगा उसको, आप लोग स्केल से इसको खींचिएगा, ठीक। तो ये दो किरण, पहली किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, फोकस से होकर गुजरी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरी, तो वो बिना विचलन के सीधे निकल गई। अब देखिए, दोनों किरण कहाँ पर मिल रही है? तो दोनों किरण यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बनेगा इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, किसके किसके बीच है प्रतिबिंब की स्थिति?
तो प्रतिबिंब की स्थिति है F2 और 2F2 के बीच ही मैंने प्रतिबिंब बनाया है, तो क्या लिखेंगे? F2 तथा 2F2 के बीच, 2F2 के बीच। प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? प्रकृति, प्रकृति वास्तविक है, क्योंकि हम लोग इसको ज़बरदस्ती थोड़ो ना मिला है, ये अपने आप से मिली है, तो वास्तविक। और आप लोग बताइए कि उल्टा है कि सीधा है? मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी चीज़ होती है, वो जो भी वस्तु रहेगा वो सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? उल्टी। तो यहाँ पर क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक तथा आप लोग बोल देंगे उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? साइज देखिए, वस्तु तो था इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसका इमेज बना इतना छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे बिंब से छोटा। ठीक, क्लियर है? ये दो अलग अलग जगह पर रख कर हम लोग वस्तु का इमेज बना दिए। अब चलिए समझते हैं तीसरे जगह पर, अब हम लोग रखेंगे 2F2 के बीच, 2F2 पर रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फिर इन दोनों के बीच रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे, मतलब अलग अलग जगह पर हम लोग रख कर देखेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है। और यही चीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछता है कि बोल देगा कि 2F1 और F1 के बीच वस्तु रखा है, बताइए इमेज कहाँ बनेगा, तो वहाँ पर यही वीडियो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम अगली बिंब की स्थिति रखे हैं, यानी कि अगला वस्तु को रखे हैं 2F1 पर, 2F1 ये है, इस पर वस्तु को रखे हैं इस तरह। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको समझिए। तो इससे भी दो किरण निकालिए, पहला तो समांतर निकालिए। ठीक, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, ये हो गया पहला। ठीक, दूसरी किरण ओ से लेकर चले जाइए। ठीक है, ओ प्रकाशिक केंद्र से इस तरह, दूसरी किरण कहाँ से लेकर जाइए? ओ से, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, ये इस तरह चली गई और ये इस तरह चली गई, अच्छा से ये। ठीक, तो 2F1 पर जब वस्तु को रखे थे और उससे दो किरणें निकाले, तो वो कहाँ पर जाकर मिली? वो यहाँ पर आकर मिली और यहीं पर बन गया आपका प्रतिबिंब। और कहाँ पर बना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है 2F2 पर, यानी कि सॉरी 2F2। ठीक है, हम लोग रखे थे वस्तु को 2F1 पर और उसका प्रतिबिंब बना 2F2 पर, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। जब 2F1 पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा? 2F2 पर, ये बहुत आसान है। और प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति भी कोई याद करने वाली बात है, ये वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है, हम ज़बरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, तो ये हो गया वास्तविक तथा उल्टा बन रही है कि सीधा? बिल्कुल उल्टा बन रही है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है और मुख्य अक्ष के नीचे कोई भी चीज़ होती है तो उल्टा है, तो ये क्या हो गया? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? आकार, आकार समझिए। आकार क्या है वस्तु का? जितना वस्तु है जितना वस्तु का आकार है, जितना हाइट वस्तु का है, उतना ही आकार, उतना ही हाइट आपका प्रतिबिंब का भी है, यानी कि बिंब के आकार के बराबर, बिंब के बराबर, बिंब के बराबर जो आपका इमेज बना है वो बिल्कुल क्या है? बिंब के बराबर, वस्तु के बराबर है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु को रखे थे 2F1 पर, 2F2 पर बना इमेज और वस्तु के बराबर बना, वास्तविक और उल्टा बना। ठीक, बिंब की स्थिति अब रख रहे हैं 2F2 और F1 के बीच, 2F2 और 2F1 के बीच, कहीं भी रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर 2F2, डायरेक्ट 2F2 पर ही रखना है, और 2F1 और F1 के बीच कहीं भी रख सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ठीक, धीरे धीरे हम लोग पास आ रहे हैं ना, पहले अनंत पर था, फिर C1 से 2F1 से परे था, फिर 2F2 पर, अब 2F2 और F1 के बीच धीरे धीरे आगे जा रहे हैं।
अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकाल दीजिए, ये हो गया। और फिसली बात है कि फोकस से होकर गुजरेगी, सीधा नहीं गुजरी, एक मिनट, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, 2F1 और F1 के बीच वस्तु को रखे, एक किरण F2 से होकर गुजर गई, दूसरी किरण को कहाँ, O से गुजारी है, O से इस तरह जाएगी और यहाँ पर किरण मिल रही है। यानी कि जब आप इस वस्तु से दो किरण निकाल रहे हैं तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर बन गया इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति 2F1 से परे, यानी कि 2F1 से पीछे, सॉरी 2F1 नहीं ना, 2F2 है ना, 2F2 से पीछे, 2F2 से पीछे, पीछे को ना फिजिक्स में बोला जाता है परे, घबराइएगा नहीं। तो 2F1 से परे हो गया। क्या ये इमेज बना है, ये वास्तविक है कि आभासी है, बिल्कुल वास्तविक है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्या ये उल्टा है कि सीधा है, देखिए तो उल्टा है कि सीधा है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा ही होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा हो गया। और देखिए साइज, आकार बताइए, आकार, आकार क्या हो जाएगा, वस्तु है इतना बड़ा, इसका इमेज बना इससे भी बड़ा, यानी कि आकार क्या लिख सकते हम लोग, बिंब से बड़ा, बस इसमें कोई माइंड दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है। इसको जहाँ जहाँ वस्तु रखना है ना वहाँ वहाँ रख कर आप लोग खुद से भी किरण निकालेंगे ना, बिल्कुल राइट जगह पर जाकर किरण मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिंब से बड़ा, ये हो गया 3 और 4, और दो जगह हम वस्तु को रखेंगे, और कहाँ कहाँ, एक तो F1 पर रखेंगे और दूसरा F1 और F1 के बीच, F1 और 0 के बीच रखेंगे, O के बीच। और उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तलन से प्रतिबिंब निर्माण ख़त्म। लेकिन यहाँ तक लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए समझते हैं, दो जगह पर वस्तु को रखकर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। पहला हम कहाँ रखें, बिंब की स्थिति F1 पर रखे हैं, इस F1 पर, फोकस पर। तो यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं, बिंब को रख देते हैं, इससे क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो लेकर जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप लोगों को अब आ ही गया होगा, देखते देखते ये हो गई, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, O से लेकर चले जाइए। तो दूसरी किरण ये गई O से, ठीक, इस तरह चली गई। अब बात सुनिए, बिंब की स्थिति थी F1 पर, इससे दो किरण निकाले और ये अपवर्तन हुई। लेकिन अपवर्तन हुई तो हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ मिली, कहीं दिख रहा है मिलते हुए दोनों किरण को, ये तो दोनों किरण इस तरह जाते, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, आमने सामने चलती ही चली जा रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फंस गया बात कि ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, जब भी कोई किरण आमने सामने होकर यानी कि पैरेलल होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कहीं आगे जाकर अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। और अनंत किसे कहते हैं, जहाँ हम लोग जिस जगह को माप नहीं सकते, ठीक है, जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते, उसको बोला जाता है अनंत, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो ये एक दूसरे के तो पैरेलल है, तो पैरेलल कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगी, तो इसकी स्थिति अनंत पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। क्योंकि और देखिए प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति तो जब ये मिलेंगी अनंत पर तो वास्तव में ही मिलेंगी ना, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसका सीधा बनेगा कि उल्टा, तो ऑफिशियली बात है कि ऊपर पर वस्तु रखा है, नीचे जा रही है, तो नीचे उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। और आकार कैसा होगा वस्तु प्रतिबिंब का, इमेज का, वस्तु तो है इतना बड़ा, इतना बड़ा, और इसका प्रतिबिंब कहीं दूर अनंत पर बनेगा, यानी कि इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग पहला स्थिति याद कीजिए, जब मैं पहली उत्तल लेंस में पहली स्थिति रखकर प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा रही थी कि बिंब की स्थिति थी अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोग F2 पर। अनंत से किरणें आ रही थी, F2 पर मिल रही थी। अब यहाँ पर ठीक उल्टा हुआ है। F फोकस पर है, फोकस पर आप वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। ये दोनों के जो है ना स्थिति अलग अलग है। अगर वस्तु रहेगी अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अगर फोकस पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगा अनंत पर, उल्टा। ठीक, अब आगे देखिए, बिंब की स्थिति है F1 व O के बीच। ठीक है, ये F1 हो गया और ये O के बीच। इधर आप लोग कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी। तो लीजिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इतना बड़ा। ठीक, इससे कैसे होगा? एक किरण इस तरह निकाल दी समांतर, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, गुजर गई। दूसरे किरण लेकर चले जाइए ओ से, तो ये हो गई ओ से। अब यहाँ पर और दिक्कत वाली बात आ गई, क्योंकि बिंब की तो स्थिति हम F1 और O के बीच रखें, इसे दो किरणें निकालें, तो दो किरणें जब अपवर्तन के बाद हम लोग देख रहे हैं तो मिल ही नहीं रही है। देखिए, दो किरणें एक दूसरे से फैलती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही है, तो ये कभी ज़िंदगी में मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आती है ज़बरदस्ती वाली बात। अब हम लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती पीछे मिलाएंगे, पीछे खींच कर, कि चलो आगे नहीं मिल रही है तो पीछे मिला दे। यहाँ पर तो एक दूसरे के पैरेलल थी तो अनंत पर मिल जाती, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से फैलती चली जा रही है तो ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो इसको हम लोग पीछे मिला रहे हैं ज़बरदस्ती। F1 और O के बीच वस्तु को रखे हैं, तो ये देखिए क्या होगा, पीछे मिलाएंगे ऐसे पीछे, तो यहाँ पर आकर मिलेगी आपका, अगर ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मिल गई, तो अब यहाँ पर बनेगा आपका इमेज, ये वाला वस्तु का यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ, देखिए तो आप लोग खुद से, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F1 से परे, यानी कि 2F1 से पीछे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2F1 से परे प्रतिबिंब बना है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रकृति। क्या ये वास्तव में मिल रही है, रियल में अपने आप मिल जा रही है किरणें? नहीं, ये तो रियल में एक दूसरे से फैलती चली जा रही हैं। हम तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ ओवरलैप कर पीछे मिला रहे हैं, यानी कि हम लोग ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। और जब किरणों को ज़बरदस्ती मिलाते हैं तो वो जो इमेज बनता है ना, वो होता है आभासी। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तथा क्या ये सीधा है कि उल्टा है? देखिए, तो मुख्य अक्ष के नीचे है कि ऊपर प्रतिबिंब बना है? तो मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बना है, तो ठीक बात है, तो आभासी तथा सीधा। मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है तो सीधा ही ना प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा। उसके बाद आकार कैसा होगा वस्तु का? ठीक है, सॉरी, वस्तु का नहीं, आकार होगा प्रतिबिंब का। देखिए, वस्तु का ये है आकार, प्रतिबिंब का इससे बड़ा, यानी कि आकार जो है प्रतिबिंब का वो बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा। क्या हो गया? बिंब से बड़ा। ये है इमेज, ये है वस्तु, वस्तु से बड़ा दिख रहा है ना प्रतिबिंब, इमेज, तो इसलिए बिंब से बड़ा। और हाँ, यहाँ पर बिंब से बड़ा लेकिन अत्यंत विवर्धित, विवर्धित, एक मिनट, विवर्धित, विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि इसमें जो इमेज बनेगा ना इस वस्तु का, वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया विवर्धित, और इसमें तो वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन इसमें बहुत बड़ा, विवर्धित। ठीक है, क्योंकि अनंत पर जाकर मिलेगा ना। तो ये छह स्थिति समझ में आ गई। अब इन छह स्थिति को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में, कहीं भी रख कर बोल देगा कि F1 के बीच है, F1 और 2F1 के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा, 2F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये तो अनंत पर बनेगा, तो ये तो मैं लिख ही दूँ। तो चलिए, यहाँ तक लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।